नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 एंटरटेनमेंट। अभिनेता ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अपने आने वाली फिल्म वार के प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं। और हम आपको ये भी बता दें, अभिनेत्री सोनम कपूर और दुलकर सलमान को जुहू स्थित एक 5-स्टार होटल में किया गया स्पॉट, जो यहाँ अपनी आने वाली फिल्म द जोया फैक्टर को प्रमोट कर रहे थे। और हम आपको ये भी बता दें, फिल्म पल पल दिल के पास का प्रमोशन बहुत जोर शोर से चल रहा है और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सन्नी देवल अपने बेटे डेब्यू एक्टर करण देवल और उनकी को स्टार शहर बम्बा ने फिल्म के प्रमोशन के लिए आयोजित किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने बात किया अपनी फिल्म के बारे में। गाने की कहानी ये थी कि जैसे आप जानते हैं हमारा टाइटल पल पल दिल के पास है और पापा की फिल्म थी ब्लैक मिल, जिसका वो गाना था और वो गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। सबसे मेरा ख्याल है लव एंथम होगा वो गाना। मैं चाह रहा था कि उस गाने को मैं ना इस्तेमाल करूं, बिकॉज उसकी अपनी एक खूबसूरती है, हम लेंगे तो बात अच्छी नहीं बनेगी थी, इसलिए हम लोगों ने नए गाने के पीछे लगे रहे। और मेरी पूरी टीम थी, ऋषि रिच, सचिन परंपरा, सिद्धार्थ गरिमा, हम लोग मनाली में ही थे सब, पूरा हम लोगों ने वहीं बैठ के सब कुछ किया। मुंबई के सारा स्टार होटल में रखी गई फिल्म प्रस्थानम की स्क्रीनिंग। फिल्म की स्टार कास्ट के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग में मान्यता दत्त, जैकी श्रॉफ, अली फजल, सत्यजीत, ऋचा चड्ढा, चाहत खन्ना के अलावा कुछ फ्रेंड्स भी पहुंचे। इस दौरान सभी ने अपने किरदार और फिल्म के बारे में बातें की, तो वहीं जैकी श्रॉफ ने टाइगर और ऋतिक की फिल्म द वार के बारे में और साथ ही अपने और संजू बाबा के बॉन्ड के बारे में बताया। अपने फेवरेट हीरो के साथ काम करने का मौका मिला उस बच्चे को, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और किंग अंकल पिक्चर जब हम लोगों ने की थी ना, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे हमारे ऋतिक बाबा और टाइगर छोटा था, 4 साल का था, तो खेलता था उसके साथ। आज उसको सामने खेलने का मौका मिला है, तो वही छोटा बच्चा बड़ा होकर आज उसका जो गुरु, उसका जो आइडल है, उसके साथ काम कर रहा है पिक्चर में, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, फिर क्या लगता है ना माँ, अब तो गुरु है उसका ना, वो गुरु का चेला है, वो चेला अपना रंग और गुरु अपना रंग, दोनों का रंग सही है, इसीलिए तो और है वहाँ पे। खुश रहें दोनों और बस बच्चों को पसंद आए, हम यही चाहते हैं। मेरा किरदार इस पिक्चर में बादशाह नाम है, बादशाह, और संजू बाबा का मैं बॉडीगार्ड हूँ, उनके ख़ानदान का बॉडीगार्ड हूँ और एक लॉयल बॉडीगार्ड हूँ, मतलब जबान एक बार निगल लिया तो निगल लिया, तो इस किस्म का जो लॉयल्टी होती है वही देखने को होती है पर्दे पर तो मिलेगी। पुराने यादें तो हम लोग ऐसे भी मिलते रहते ना, पर्दे पे पहली बार आ रहे हैं, वैसे तो मिलते रहते हैं, और हमारे मतलब मिलना हो ना मिले, पार्टी पे जाएं ना जाएं साथ, मगर दिल में वो बातें हैं, क्योंकि हम दोस्त लोग हैं, वो रफी के टाइम और मैं हीरो के टाइम, उसको पहले के दोस्त, उसके पिक्चर में आने के बाद दोस्ती नहीं, दिल में रहती ऐसी बातें, दोस्त लोग एक बार स्विमिंग स्विमिंग करना सीख लिया, कुछ दिन के बाद में फिर दोस्त साल के बाद में भूलती नहीं ना, वैसा दोस्ती भी हुई जब मिले ना मिले, मगर दोस्ती बरकरार रहता है। और स्कूल में काम करने का अच्छा लगा, उनके खुद के प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि मुझे लिया, सराय की लगे की हम लोगों ने, मिशन कश्मीर की हम लोगों ने, तो हमारे चैनल न्यूज 24x7 इंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।